धार के बाग नगर में कोरोना काल में लंबित बोर्ड परीक्षा के पश्चात अब मूल्यांकन 22 जून से शुरू होना है। इस तारतम्य में शेष रहे प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु 22 जून से जिला मुख्यालय पर उत्कृष्ट विद्यालय धार में विषय शिक्षकों को बुलाया गया है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने मूल्यांकन कार्य स्कूल के माध्यम से प्रथम चरण अनुसार ही वर्क फॉर होम कराए जाने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि कोरोना का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है तथा वर्तमान में आवागमन की सुविधा के साथ भोजन और आवास जैसी समस्या बनी हुई है। वहीं जिला मुख्यालय की दूरी 90 किलोमीटर से अधिक है। ऐसे में महामारी का संक्रमण बनने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड परीक्षा की कक्षा 12वीं की शेष उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन वर्क फ्रॉम होम कराए जाने संबंधी ज्ञापन कलेक्टर के नाम विकासखंड जिलाधिकारी वीर भान सिंह मंडलोई के माध्यम से ट्राइबल वेलफेयर एंड रिसर्च एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ठाकुर, जगदीश अलावा, मगन सिंह जमरा, महिला प्रतिनिधि के रूप में सुश्री अलका राठौर, दीप्ति अजनारा, वैशाली दिघे उपस्थित थे। बाग से संजय देपाले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।